हाय गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में जानना है। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसका मीनिंग कंपाइलर को पता रहता है, उसका कोड हमको लिखना नहीं पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है, ये फंक्शन का प्रिंट एफ ऐसे लिखाता है, प्रिंट छोटा पी। सी लैंग्वेज में हर एक फंक्शन जो है वो छोटा ही में, प्री डिफाइंड फंक्शन वो छोटा में ही लिखाया जाता है मैक्सिमम। वैसे आप यूजर डिफाइंड में बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कैपिटल लेटर कर सकते हैं, पर प्री डिफाइंड जो होता है उसमें मैक्सिमम में स्मॉल लेटर ही यूज़ किया जाता है। तो हम प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद एफ लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है पैरेंथेसिस। तो ये काम कैसे करता है उसको एक कोड के जरिए जानते हैं। हेलो वर्ल्ड, आज का हमारा हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट करा के देखेंगे। हेलो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया आएगा। प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देखते हैं। तो हम पहले कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में, जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये हैशटैग लगाए हैं, इसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है। ये इंक्लूड करने का काम आता है किसको, stdio.h। ये हेडर फाइल जो है, इसको .h मतलब हेडर फाइल, इसको इंक्लूड करेगा सी लैंग्वेज में। ये इसका इंक्लूड करने के बाद ही सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो रन करता है। ये उसके बाद ये एंगल ब्रेसेस जो होता है उसमें इसको लिखते हैं। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन लिखते हैं। हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। क्या बताया, पैरेंथेसिस जहाँ लगा देंगे वो मेन फंक्शन को इंक्लूड कर डिनोट करता है। उसके बाद हमारा जो सिंटैक्स होता है लिखने का, सी लैंग्वेज का सिंटैक्स ये होता है, पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद जो हमारा कोड होता है वो कोड हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो हम क्या करना है, प्रिंट एफ करना है ना, लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ डबल कोट, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हेलो हेलो डबल कोट बंद सेमी कॉलम। सेमी कॉलम जस्ट लाइक फुल स्टॉप होता है, वो हर लाइन के बाद सेमी कॉलम लगाएंगे तभी कंपाइलर को पता चलेगा ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, नहीं तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा लाइन कहाँ ख़त्म हो गया है और इरर थ्रो करेगा। तो ये हो गया हमारा हेलो। प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर हम जो देंगे वो एट इज स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे कैसे प्रिंट होगा, डबल कोट के अंदर है हेलो, तो हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, ऐसे प्रिंट होके स्क्रीन पे आएगा। इसके अंदर हम कुछ और देते हैं, क्या था हमारा प्रिंट एफ डबल कोट, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड देते हैं। अब हेलो हेलो वर्ल्ड, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद। तो ये हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड, और इसको हम लैपटॉप की स्क्रीन पर भी करके देखेंगे रन वो कैसे होता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कैसे होता है और वो काम कैसे करता है। एक बार और समझा देते हैं, ये हैशटैग मतलब प्री प्रोसेसर होता है, डॉट एच मतलब हेडर फाइल, stdio.h जो है ये हेडर फाइल है, इसको हम इंक्लूड किए हैं अपने कोड में जिससे हमारा सी लैंग्वेज का कोड रन कर सके। उसके बाद हम ये मेन फंक्शन लिखे, मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और कोड जो होता है वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जिससे हमारा कोड रन होता है। हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किए हैं और डबल कोट के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, तो जो हम लिखेंगे इसके अंदर वो हमारा एटीजी प्रिंट होकर चला आएगा। तो अब चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं ये कैसे रन करता है। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, बाय डिफॉल्ट जो कोड होता है सी लैंग्वेज में लिखने पड़ता है वो हम लिख चुके हैं ताकि टाइम से हम कम लग सके। तो हम यहाँ चलते हैं, हम देख सकते हैं प्रिंट एफ का यूज क्या होता है। तो हम प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट एफ का सिंटैक्स ये होता है, यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देते हैं। प्रिंट एफ का सिंटैक्स ये होता है, प्रिंट एफ लिखते हैं उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट, डबल कोट के नाम जो लिखेंगे वो हमको प्रिंट हो जाएगा एटीजी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो wrld वर्ल्ड, यहाँ पे हम ये लिखें तो ये डबल कोट के अंदर हम जो लिखेंगे वो एटीजी प्रिंट होगा। यहाँ रन करके देखते हैं क्या है इसका आउटपुट, रन हो रहा है यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। डबल कोट के अंदर हम जो दिए वो प्रिंट हो गया, डबल कर दे रहे हैं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया है। चलते हैं आप कुछ और देखते हैं प्रिंट करके होता है या नहीं। एक बार प्रोग्राम रन कर रहा है तो एबॉर्ट करना पड़ता है, एबॉर्ट करने के लिए बुल्ड में आते हैं, एबॉर्ट में जाते हैं, फिर एबॉर्ट करते हैं ताकि दूसरा प्रोग्राम रन हो सके। यहाँ पे कुछ और लिख के देखते हैं क्या लिखे, कोई नहीं अपना नाम ही लिख देते हैं
हाई के केस हाउ आर यू, हाउ आर यू, देखते हैं इसको रन करके। ये देख सकते हैं रन हो गया है, डबल करते हैं, डबल हो नहीं रहा है, फिर से करते हैं, हो गया डबल। ये देखिए डबल कोट के अंदर हम जो लिखे वो प्रिंट हो गया है। तो आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिला होगा प्रिंट फंक्शन को लेके। तो ओके कोड देख लेते हैं एक बार, क्या है कोड देख लीजिए, ये है ओके। तो भाई